जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम राजकुमार है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जो लास्ट हमारा जो ट्रिप रहा है उससे रिलेटेड, जो अभी मैं गांव गया था अपने, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। और आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे भाई, वो ये है कि सफ़र, जो हम सफ़र करते हैं। मैं महीने में 2-3 सफ़र कर लेता हूँ, और किधर आना जाना कुछ ना कुछ चलता ही रहता लाइफ में। तो जो वीडियो में मेन बात है वो ये है कि हम लोग अभी होली पे गए थे गांव, तो जो कि मैं और मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे गए थे। तो इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई हादसे जो होते हैं ना, वो कभी भी हो जाते हैं, और उसमें किसी का कोई दोष नहीं रहता। तो मेरी वाइफ ने कुछ मेरे ऊपर वो लगाया कि यार तुमने जबरदस्ती परेशान किया मुझे, तो जाने के लिए मैं रेडी हो गई, तो ये सब चीज़ें हुई। तो मैं भी इस चीज़ से परेशान था, कई दिन तक मैं रात में सो नहीं पाया, वही हादसा मेरे को नज़र आ रहा था, मतलब दिमाग में वही चीज़ चल रही होती है, होता ना माइंड मेंटली जो है बंदे का हो जाता है। तो हुआ कुछ ये था, पहले तो मैं हादसा बता देता हूँ आपको हुआ क्या था। हम लोग घर से निकले भाई यूपी के लिए, तो हम जहाँ रह रहा हूँ मैं जिस लोकेशन में, यहीं से मुझे बस मिल गई थी। तो जब बस मिल गई थी तो पहले क्या था, पहले जो है एक बस मिली जिसमें बताया कि हम डेली अप डाउन नहीं करते हैं, आज जाएंगे और एक बस हमारी फिर कल उधर से आएगी, कल हमारी बस इधर से नहीं जाएगी। तो थोड़ा वहाँ कन्फ्यूजन हो गया, तो मैंने कहा हो सकता है इस लोकेशन, क्योंकि मैं हमेशा आनंद विहार से जाता हूँ, इधर से नहीं गया जहाँ जिस लोकेशन में मैं रह रहा हूँ नागलू साइड में। तो मैंने कहा हो सकता है भाई एक ही बस चलती हो। तो जब ये बात हुई तो मैंने आगे छुट्टी उट्टी की बात कर ली, सब कुछ सेट हो गया कि भाई हाँ गाँव जाना ही। कुछ ऐसी है कि जब घर जाने की प्लानिंग हुई तो बस का जो सिस्टम था इधर, वो कुछ सही शेड्यूल सही नहीं था कि भाई एक पहले एक बस वाले ने बोला कि हमारी गाड़ी डेली नहीं जाती, कभी कभी जाती है, और एक बस वाला मिला जो बोला मेरी डेली जाती है दिल्ली से। तो ये सब था। तो मैंने जब छुट्टी ले ली, जब एक बार बात हो जाए किसी से आगे सामने, मैं बोल दूँ भाई छुट्टी हो गई, तो फिर ये हुआ कि चलो हम आज ही चलेंगे 2 दिन बाद, और घर जाने की खुशी तो सबको ही होती है। तो भाई हम घर की तैयारी बना ली। तो जिस बस से हम लोग गए थे उस बस का ड्राइवर जो है थका हुआ था, क्या था क्या नहीं था। पहले जब यहाँ से निकले तो सब कुछ ठीक ठाक था, दिल्ली पार किया हमने ठीक ठाक था। रात में 12 बजा तो अपने किसी कंडक्टर को उसने बस चलाने के लिए दे दिया। तो पहले तो बस को ना ऐसे लहराया भाई बहुत तेज, हाईवे पे, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे, मतलब इतना लहराया कि मान चलो 500 मीटर तक बस ऐसे ऐसे गई। फिर हम सब ने शोर मचाया बस वाले को अंदर कि भाई क्या कर रहे हो। मैंने बड़ा बड़ा और पीटा, मतलब साइड में जो होता है ऐसे आवाज़ खट 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 की आवाज़ करी। तो वो बस वाला फटाफट उठा और उसने थोड़ी सी, भाई साहब अगर थोड़ा सा और होता ना, अगर वो कंट्रोल नहीं करता तो बस तो वहीं पलटनी थी, कसम से बता रहा हूँ, भगवान कसम। एकदम ऐसा सीन था, सारे डर गए थे, बच्चे जितने थे सो रहे थे बस के अंदर, सारे यात्री डर गए थे भाई। उसके बाद क्या हुआ, जब वो चलो फिर ड्राइवर सो के उठा तो सबने उसको समझाया भाई ऐसा है नींद आ रही है तो मुंह धो ले, रुक जा, कुछ भी कर ले, साइड में लगा ले, लेकिन ऐसे मत चला, हमने भी बोला, मैंने भी बोला, सबने बोला। उसके बाद क्या हुआ, जब 12 बजा, 1 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 3-4 घंटे बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही, लखनऊ से कम 60 किलोमीटर पहले ही एक टोल पड़ता, टोल से पहले एक ट्रक पलटा हुआ था, पूरा अंगूर से भरा हुआ ट्रक, पूरा ओवरलोड था मेरे ख्याल से, बहुत ही उसमें माल था, पेटियाँ आप वीडियो में देख रहे हो, इतना माल था उसके अंदर। तो वो ट्रक पलटा हुआ था, तो जो साइड में 10-12 फीट की जगह बची थी जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती थी, तो दो, एक क्रेटा और एक नई होंडई की कोई गाड़ी थी ब्लैक कलर की, ये आप वीडियो में देख रहे हैं। तो होंडई की नई गाड़ी थी, तो जब बस वाले ने देखा इन गाड़ियों को, तो सुबह सुबह का टाइम 4-5 बजे अंधेरा था हल्का फुल्का, तो बस वाले ने दूर से ध्यान नहीं दिया। जब इसने ध्यान दिया कि आगे गाड़ी खड़ी है, तो जब तक ये कंट्रोल करता करता तब तक क्रेटा वाले मारा, क्रेटा वाले को थोड़ा बचाने के चक्कर में होंडई वाले मारा, पूरी गाड़ी उसके पीछे से खराब कर दी, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हादसा जो है
ये हुआ होली के एक दिन पहले, दो दिन पहले, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, हमारी तो खैर चलो तत्काल प्लानिंग हुई उस बात, इसके अंदर कम से कम 100-150 यात्री रहे होंगे मेरे ख्याल से, 100 आदमी तो रहे होंगे, ठीक है। क्या सबने गलत प्लानिंग करी? सबने तो गलत प्लानिंग नहीं करी होगी। मान लो हमने, चलो हम तत्काल, मेरी तैयारी बन जाती, ये दूसरा हादसा है मेरे साथ जो हुआ है, समझ रहे हो आप, दूसरा हादसा है। एक बार हम उत्तराखंड जा रहे थे, उत्तराखंड मसूरी, मसूरी में मैं, मेरा बेटा, बेटी और मेरी वाइफ, हम चारों लोग थे। तो बस में मैं अपने बेटे को लेके पीछे वाली सीट पे लेट गया था, तो बस वाले ने ब्रेक मारा तो एकदम धड़ाम नीचे गिरे थे हम लोग। मेरा बेटा मेरे ऊपर लेटा हुआ था, वो नीचे गिरा, उसको पैर में चोट आई थी हल्का फुल्का, तो भगवान का शुक्र था कि बच गए, फ्रैक्चर नहीं हुआ कोई। और मेरा ये फट गया था, यहाँ पे निशान है अभी भी, ये देखो हल्का फुल्का निशान दिखेगा, ये पूरा फट गया था, ऐसे खून बहुत बह रहा था। तो ये ऐसा हुआ। तो देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अपनी वाइफ से मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हाँ अगर कुछ हो जाता ना उस दिन, तो भगवान ही जाने क्या वो करता मैं, लेकिन चलो भगवान ने को बचा दिया। और बस ये है कि देखो, मेरी हमेशा गलती नहीं रहती है, जो भगवान ने ऊपर वाले ने लिख रखा है कुछ ना कुछ, तो सबके दुआ आशीर्वाद से हम बच गए। जो होना रहता हो तो सबके साथ ही हुआ। 12:13 हो रहे हैं टाइम, जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे वही चीज़ याद आती थी, तो मेरे को दिमाग एक रहता ना यार, अब आज के बाद बस में सफ़र नहीं करना है। बहुत डर डर के तो मैं गया हूँ, हम ठंडियों में नहीं गए, ठंडियों में जाने वाले थे, ठंडियों में नहीं गए भाई, इसी डर से कि यार कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या बोलूँ मैं, तो इस वजह से भाई। तो अगर हाँ मेरे से कोई गलती हुई तो आप प्लीज़ माफ़ करना मुझे, मैं ऐसे नहीं यार, हाँ थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आपस में ना एक संतुलन बना के रखो, सब मिलजुल के रहो, ताकि ये कलेश ना हो। कलेश कलेश होता है ना थोड़ा थोड़ा, वो कई बार क्या होता है कि एकदम से कहते हैं ना कि जब ज़्यादा रोज ही कलेश होगा तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए जो है प्लीज़ ये सब मत करो आप भी, और मैं भी अपने आप को करता हूँ, क्योंकि हम ना बच्चे नहीं रहे, आप समझ रहे हो बात। पहले क्या था कि हम लड़ते झगड़ते थे, बहुत लड़ा हमने, बहुत लड़ाइयाँ हुई, और क्या क्या रीज़न हुई तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, तो उन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक उम्र है अब जो हो गई है, दो बच्चे हैं हमारे, भगवान ने दिए हैं माता रानी की कृपा से, दो बच्चे हैं, तो समझदारी से काम लो। और अब आप दो दिन से फ़ोन से बातचीत नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें हैं। ये सभी, अगर कोई ये बस ड्राइवर और बस वाला भाई वीडियो देखेगा तो मैं बस उससे ये कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप ना कुछ पैसों के लिए ना किसी की ज़िंदगी मत ख़राब करो, आप समझ रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। मैं बाइक से लेके चलता हूँ ना अपने बच्चों को, हम चार जिंदगियाँ लेके चलते हैं, तो मैं ना 40-50 बहुत बहुत रेयर केस में है कि 50-60 होता है स्पीड, नहीं आराम से चलता हूँ। तो इसी तरह से आपको भी सोचना चाहिए कि हम 100-150 लोगों को, 100 लोगों का परिवार लेके चल रहे हो आप, ठीक है। गलती हर इंसान से होती है, इंसान से ही गलती होती है, किसी से भी गलती हो सकती है, ऐसा बात नहीं। लेकिन ये जो आप ना ओवरलोडिंग, लोड कर लो, माल भर लो, सब कुछ कर लो, इनसे भी गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं होती, ओवरलोडिंग कर लेते हो। दूसरी बात यह है कि आप लगातार बस चला रहे हो, ठीक है, ब्रेक नहीं ले रहे हो, इससे भी हादसे होते हैं, गाड़ी पलट गई तो पुलिस केस हुआ, पुलिस आई तो सब पुलिस वाले जो हैं भाई वो बोले कि ऐसा है, जिनको जाना है वो अपना जाए, क्योंकि बस को लगेगा टाइम। तो हमने 4 घंटे वेट किया, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 10-10:30 बजे में एक गवर्नमेंट बस मिली, जिससे पकड़ के हम आगे गए, आगे अपना लखनऊ तक गए। लखनऊ में जहाँ हमें जाना चाहिए था चारबाग, हम पहुँच गए आलमबाग, आलमबाग से फिर मैं बछरावा गया, बछरावा तक की बस मिली। अगर मैं चारबाग जाता तो हमारे नियर बाई महाराजगंज की बस मिल जाती, ठीक है। तो बहुत सारी परेशानियाँ हुई इस वजह से, हम चार बच्चे, मतलब चार लोग, दो बच्चों के साथ साथ धूप के अंदर सब भूखे प्यासे 12-1 बजे घर पहुँचे,
तो बहुत कठिन ये सफ़र रहा है। और अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, और हम तो बच गए, सबकी दुआओं की वजह से हम लोग बचे हैं। और बस ठीक है, आगे भी माता रानी सब अच्छा करेंगी, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेन रीज़न यही था इस वीडियो को बनाने का कि भाई मेरी वाइफ ना मेरे को दोषी मानती है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है मेरी गलती हो, और लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, गलती ड्राइवर की थी, किसी की भी गलती हो, मैं किसी में, हो सकता है मेरी गलती हो भाई। चलो ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।